सो हेलो दोस्तों, टेक द नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अहमद हाशमी। दोस्तों, क्या आप भी अपने YouTube प्रोफाइल का फोटो देख देखकर बोर हो गए हैं या फिर उसको चेंज करना चाहते हैं, एक नया फोटो लगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने YouTube प्रोफाइल का फोटो जो है कैसे चेंज करते हैं और कैसे नया फोटो लगाते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधे अपने मोबाइल स्क्रीन पर। So, दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्रोम ब्राउजर का इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है यहाँ यूट्यूब का सिंबल देख रहे हैं, इस वाले ऑप्शन में लोगों को टैप कर लेना है, या अगर आप में नहीं आएगा तो ऊपर में लोग सर्च करके यूट्यूब ले आएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पे हम लोग टैप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद जो है आप यहां देख सकते हो 3 डॉट का जो सिंबल दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन में हम लोग को टाइप करना है। टाइप करने के बाद जो स्क्रॉल करेंगे तो यहां डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, इस पे हम लोग टाइप कर लेंगे, ताकि हम लोग का स्क्रीन जो है यूट्यूब ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह खुले। तो हम लोग का स्क्रीन जो है कुछ इस तरह से सामने खुलकर आ गया है। अब आप यहां देख सकते हैं मेरे यूट्यूब प्रोफाइल का जो लोगो दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन में हम लोग टाइप करेंगे। टैप करने के बाद जो है आप यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है योर चैनल, तो इस वाले ऑप्शन में फर्स्ट वाले ऑप्शन में हम लोग चले जाएंगे। जाने के बाद जो है हमारा इंटरफेस कुछ सामने इस तरह जो खुलकर आ जाएगा। अपने YouTube चैनल का लोगो यहां देख सकते हैं, इस वाले ऑप्शन में लोग टैप कर लेंगे। यहां दो तरह का लोगो आपको देखने को यहां पे मिल जाएगा, एक है एडिट का, दूसरा है कैंसिल का। तो हम लोग एडिट वाले ऑप्शन में यहाँ टैप कर लेंगे। टैप करने के बाद जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने खुलकर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सर्च होके खुल रहा है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक में लिखा हुआ है रिमूव और दूसरा में लिखा हुआ है चेंज। तो हम लोगों को अपना प्रोफाइल जो है यूट्यूब का चेंज करना है, तो हम लोग चेंज वाले ऑप्शन में हम लोग टैप कर लेंगे। टैप करने के बाद जो है यहाँ पर लिख रहा है सिलेक्ट अ फोटो, यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए दे रहा है, तो इस वाले ऑप्शन में हम लोग टैप करेंगे। टैप करने के बाद जो है अभी यहाँ पर दे रहा है डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, और जाने के बाद जो है आपका अभी यहाँ पर जिस भी फाइल में फोटो है तो उस फाइल में जाकर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो मैं गैलरी में यहाँ चला जाता हूँ, और जाने के बाद जो है यहाँ पे मेरा जो है जिस भी फाइल में अगर आपका फोटो है उस वाले फाइल में हम लोगों को वहां पर चले जाना है। तो मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में चले जाता हूँ, और जाने के बाद जो एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस वाले फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो दोस्तों, देखिए यहाँ पर फोटो अपलोड होना चालू हो गया। देखिए दोस्तों, इस तरह से अपलोड मेरा फोटो हो रहा है कुछ इस तरह से। सो इसी तरह से आप यहाँ पर अभी यहाँ पर साइज बोल रहा है, तो साइज को आप बढ़ा घटा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर एडजस्ट ऑलमोस्ट कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या चीज़ सेट अप प्रोफाइल फोटो, इस वाले ऑप्शन में हम लोग टैप कर लेंगे। टैप करने के बाद जो है यहाँ पर मेरा फोटो जो है अपलोड हो रहा है, यानी कि सर्च हो रहा है। सर्च होने के बाद जो है मेरा फोटो जो है इस तरह से ऑलमोस्ट जो है चेंज हो गया है। सो देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अपने यूट्यूब में जाके आपको दिखला देता हूँ कि किस तरह से फोटो जो है मेरा चेंज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा फोटो जो है पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो गया है। सो अभी सर्च हो रहा है। सो देख सकते हैं ऊपर में जो है मेरा फोटो जो है यहाँ YouTube प्रोफाइल का चेंज हो गया है। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।